जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग को पहले ही बता दिया गया था, आर्मी में जो अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 में निकली हुई थी, पहले ही शॉर्ट नोटिस जो आया था मैं बता दिया था कि 1 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, कुछ जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो ऑनलाइन 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। यानी योग्यता के साथ रनिंग क्या है, रनिंग के साथ यानी कितना टाइमिंग दिया गया है, ये सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, स्किप मत करिएगा साथियों। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, लास्ट तक देखिए तभी समझ आएगा। तो साथियों बताने जा रहा हूँ, तो साथियों बता दें, ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर सेम रिक्वायरमेंट 2022 में निकला हुआ है और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 1 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और साथियों, एप्लीकेशन फ़ीस जो मांगा गया है, जनरल OBC ST AC कैंडिडेट का भी 1 रुपया, की कोई भी कैटेगरी का 1 भी रुपया नहीं लगा है। और साथियों, एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया है, आप लोग जाकर ऑनलाइन कराइए। लास्ट डेट 30 जुलाई 2022, रैली वाइज होगा, यानी सब स्टेट का जिले का तिथि अगला वीडियो में बता दिया हूँ किस डेट पर है, साथियों अगला वीडियो देख लीजिएगा। और साथियों बता दें, एज लिमिट 1/10/2022 से मांगा हुआ है, मिनिमम एज 17.5 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष। यानी साथियों, 1/10/2022 से 17.5 से 23 वर्ष के बीच का कैंडिडेट का होना चाहिए। वैकेंसी नोटिफिकेशन यानी जैसे वैकेंसी डिटेल आएगा, जल्दी हम वीडियो में बता देंगे साथियों। तो अभी वैकेंसी डिटेल नहीं आया है, लेकिन साथियों जहाँ तक अंदाज है कि 25,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। और साथियों, एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है डिटेल, योग्यता, आप लोग को योग्यता के बारे में बता दें, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्मर्स के लिए बता देते हैं, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास के साथ साथ साथियों 45% मार्क होना चाहिए, मिनिमम सब्जेक्ट में 33 मार्क रहना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33 नंबर रहना चाहिए साथियों। और साथियों बता दें, अग्निवीर टेक्निकल आल आर्मर के लिए बता दें, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास के साथ साइंस, 12वीं पास में साइंस होना चाहिए, विथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए साथियों, एंड साथ में इंग्लिश, और साथियों साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। और साथियों बता दें, अग्निवीर टेक्निकल और साथियों अभिगेस मिनिमम एग्जामिनर के लिए आप लोग का 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का ITI भी होना चाहिए। और साथियों बता दें, क्लर्क अग्निवीर में जो क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल का जो निकला है वैकेंसी, तो उसमें 12वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, 12वीं में साथियों मिनिमम 60% होना चाहिए मार्क एग्रीकेट, एंड मिनिमम 50% इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में साथियों 50 नंबर होना चाहिए। और साथियों बता दें, अग्निवीर ट्रेडमैन हो, कुक हो गया, बार्बर हो गया, नाई हो गया, जो भी है सब कुकमैन में आते हैं, यानी ट्रेडमैन में 10वीं पास होना चाहिए साथियों, 10वीं पास के साथ साथ सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, यानी 33% होना चाहिए साथियों, 10वीं पास होना चाहिए, 33% होना चाहिए साथियों। और ट्रेडमैन में 8वीं पास भी मांगा है साथियों, 8वीं पास में भी 33% होना चाहिए। और साथियों बता दें, और साथियों फिजिकल फिटनेस के बारे में बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल फिटनेस यानी आप लोग का फर्स्ट ग्रुप जो रनिंग होगा, उसमें 1600 किलोमीटर होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी, उसमें 5 मिनट 30 सेकेंड में क्वालिफाई करना है। तो साथियों आप लोग इतना बढ़िया अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि 5 मिनट 30 सेकेंड से आप लोग पहले आ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा साथियों। आप लोग के तो अंदर जो 17.5 से 23 वर्ष के बीच कैंडिडेट जो होते हैं,
बहुत ज़्यादा उनमें जुनून होती है, वो भी आर्मी का जो भर्ती निकलता है, जो भर्ती देखते हैं उनके में काफ़ी जुनून होता है। तो साथियों आप लोग ऐसा करिए, मिनिमम समय जो दिया है 1600 मीटर में 5:30 दिया है, लेकिन 5:30 से आप लोग पहले आइए। और साथियों पुल अप्स जो होता है यानी बीम होता है 10 आप लोग को बीम मारना है। और साथियों ग्रुप सेकेंड में आप लोग का रनिंग जो होगा 1600 किलोमीटर का ही होगा, उसमें टाइमिंग 5:45 दिया गया है, 5:45 आप लोग को दिया गया है साथियों। यानी ग्रुप टू में जो आएगा वो 5:45 में क्वालिफाई करना है साथियों। और इसमें भी साथियों पुल यानी बीम 10 ही मारना है। और साथियों जैसे ही कोई अपडेट आता है जल्द ही इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।